हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देखो प्लीज मुझे मजबूर मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लोग निकलो यहाँ से, लाठी चार्ज करने में मजबूर मत करो मुझे। जा चुका है, जा चुका है। सर ये सब ऐसे नहीं मानेगा, हमें लाठी चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक बोल रहे हो, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मारो तो रोजगार। बात से समझा रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, खड़ पहुंचवा दो सबको। बस यही कर सकते हैं आप लोग? कहते हैं देश आजाद है हमारा, लेकिन गलत, सब गलत। गरीब 1947 में भी गरीब था, 2020 में भी गरीब है। मजदूर 1947 में भी भागे थे, 2020 में भी भाग रहे हैं। गरीब और गरीब होते चला गया और अमीर हो गया। आपकी ये लाठी सिर्फ गरीब मजदूरों पर ही उठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गरीब मजदूर आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ये गरीब सही है फिर भी ये गलत, ये अमीर गलत है फिर भी सही। ये जानते हुए भी कि नेता भ्रष्ट है, चोर है, बेईमान है, फिर भी आप जैसे कुछ पुलिस ऑफिसर उनको सलाम ठोके उनके पैर पकड़ेंगे। और ये जानते हुए कि मजदूर सही मांग कर रहा है फिर भी उनको लाठियों से पीटा जाएगा। कुछ सरकारी नौकरी करने वाले भ्रष्ट लोग आज घर में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, वही हमारे दूसरे तरफ बिहारी मजदूर 1000-2000 किलोमीटर की दूरी इतनी गर्मी में तपती सड़क पर नंगे पांव चल के अपने घर लौट रहे हैं। आखिर हम मजदूर की गलती क्या है कि हम गरीब हैं? क्यों हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, क्यों हमारी यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है? हमें क्यों दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आज हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज होती तो आज ना हमारे बिहारी भाई बाहर जाते और ना उनको आज यहाँ आने में दिक्कत होता। अब हम चुप नहीं रहेंगे और आप लोगों को बोल रहे हैं सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, बिहार सरकार से बिहार में रोजगार आपको खुद मांगना होगा। चलिए उठिए और ट्विटर पर डालिए #बिहारसरकारदोरोजगार और ट्रेंड करवाइए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार सरकार तक पहुंचे। क्योंकि अगर आज आप चुप रहे और हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे तो तैयार रहिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार में खून खराबा, लूटपाट और कत्ल शुरू होगा। क्योंकि जितने भी बिहारी भाई हमारे बिहार पहुंचे उनको रोजगार चाहिए, उनको अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर यहां रोजगार नहीं मिलेगा तो सीधा एक ही काम करेंगे, डकैती करेंगे, खून खराबा करेंगे, किसी का कत्ल कर देंगे। तो आज आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी और हमारा साथ देना होगा। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, दो रोजगार, दो रोजगार, दो रोजगार, दो रोजगार। जय हिंद।